नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। यूपी में राजनीति में अपूर्ण क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति दुनिया में सबसे जुदा है, इस बात से शायद ही कोई इनकार करे। इसलिए इतने बड़े कद्दावर नेता की मौत पर यह जानना जरूरी है कि उन्होंने कैसा यूपी में बीजेपी की राजनीति जमीन को मजबूत करने का काम किया था। उनसे जुड़े कई किस्से कहानियां हैं जो उनके जाने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहेगी। देखिए उन पर ये हमारी खास रिपोर्ट। तीन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं केशरीनाथ त्रिपाठी। मुलायम सिंह की सरकार बनाने में था अहम योगदान। कड़े प्रशासक, कुशल राजनेता थे केशरीनाथ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक जमीन को तैयार करने वालों में से एक और वरिष्ठ नेता केशरीनाथ त्रिपाठी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से राजनीतिक समाज को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। राज्यपाल से लेकर और अध्यक्ष पद तक की जिम्मेदारी की निर्वाहन उन्होंने इस कदर किया जिसकी छाप सदियों तक सियासत के पन्नों में गढ़ी हुई मिलेगी। केशरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को हुआ। यूपी से निकलकर केशरीनाथ त्रिपाठी ने कई राज्यों में अपने प्रशासनिक फैसलों की छाप छोड़ी। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले नेता के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खट्टे मीठे संबंध रहने के बावजूद उनकी छवि एक कड़े प्रशासक के रूप में देखी गई। उनकी मृत्यु पर पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है, जिससे आप उनके सियासी कद का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशरीनाथ त्रिपाठी का अपना अलग स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में लिए गए उनके फैसलों ने सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने फैसलों का बचाव किया। साल 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार को बनवाने में और उसे 5 साल तक चलवाने में यूपी विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी का अहम योगदान माना जाता है। केशरीनाथ त्रिपाठी की कुशल राजनेता के तौर पर पहचान रही है ऐसे राजनेता जो अपने फैसले पर हमेशा डटे रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो या पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का पद, दोनों ही स्थानों पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। ममता बनर्जी के साथ अदावत और तृणमूल कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट के घर में भाजपा को स्थापित करने में उनके निर्णय और कार्यों की बड़ी भूमिका रही। कई मौकों पर ममता बनर्जी और केशरीनाथ त्रिपाठी आमने सामने आते दिखे थे। 90 साल के केशरीनाथ त्रिपाठी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, जिससे यूपी की सियासत को बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। यूपी की सियासत में उनका अहम योगदान रहा, साथ ही अन्य राज्यों में अलग अलग पदों पर भी उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।